Very good morning, students. I am your teacher, and today I am going to teach you maths. आज मैं आपको maths पढ़ाऊंगी. तो maths में हम, क्योंकि ये आपकी book है maths की, count and write. Count and write number book. आज हम इस book में work करेंगे. चलिए खोलते हैं हम पेज नंबर. देखिए हम नोटबुक में हमने आपको नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहाँ तक हमने आपको नंबर बनाने सिखा दिए हैं कि किस तरह से नंबर हम बनाएंगे. तो आज हम बच्चों हम इस बुक में वर्क करेंगे. इन्हीं नंबर्स को हम इस बुक में लिखना सीखेंगे. देखिए इस बुक में हमने नंबर थ्री तक हमने आपको लिखना सिखाया था. तो यहाँ तक आप कंप्लीट आपका होगा इसमें. आज हम यहाँ से शुरू करेंगे नंबर 4. तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. अब हम इसमें काउंट करते हैं. देखो ये क्या है, बर्ड्स. ये कितने बर्ड्स हैं काउंट करें हम. 1, 2, 3, 4. तो कितने बर्ड्स हैं, 4. तो 4 कैसे लिखा जाता है बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है 4. अब देखो ये चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड में. तो कितने चिल्ड्रंस हैं, चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4. तो 4 चिल्ड्रन हैं. तो ये है नंबर 4. अब देखो ये फिश दिखाई दे रही है बच्चों आपको. ये फिश कितनी है, फिश काउंट करते हैं हम. 1, 2, 3, 4. फिश कितनी है, 4. ये है हमारा 4. अब बच्चों ये क्या है, ये है ऑक्टोपस. ये वाटर का एक जानवर होता है, वाटर एनिमल. जिस तरह से फिश पानी में रहती हैं, इसी तरह से ये ऑक्टोपस है, ये भी पानी में रहता है. तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4. तो कैसे लिखेंगे 4, देखो ये लिखा हुआ है 4. इसी 4 को हम यहाँ पर इस पेज पर लिखेंगे. ओके तो देखो 4 ये लिखा हुआ है. इसी तरह से 4 हमें इस पेज पर लिखना है. तो सबसे पहले देखिए ये डॉट डॉट बनी हुई हैं. तो ये जो डॉट बनी हुई हैं, इन्हीं डॉट के ऊपर हम 4 बनाएंगे. तो देखो किस तरह से लिखेंगे. ये डॉट है, पहले हम ऊपर से नीचे लाएंगे लाइन. देखो डॉट के ऊपर ही बनानी है. अब यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पर घुमा दीजिए. अब ऊपर से इसको क्रॉस करते हुए थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे. तो ये बन गया 4. तो ये जो डॉट डॉट बनी हुई है, इन्हीं के ऊपर हमें पेंसिल से लिखना है. देखो पहले ऊपर से नीचे, फिर यहाँ पे टर्न करना है. अब ऊपर से इसको क्रॉस करके नीचे, क्या बन गया 4. इसी तरह से देखो ये ऐसे बनाएंगे हम ऊपर से नीचे. फिर ये डॉट लाइन है, ऊपर से नीचे, ये बन गया 4. बहुत है, बस सीधी सीधी लाइन आपको बनानी है. पहले ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनाओ ऐसे, फिर यहाँ से फिर ऐसे स्ट्रेट करेंगे. अब ऊपर से फिर स्ट्रेट लाइन क्रॉस करनी है यहाँ पे. तो ये बन गया 4. देखो स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट, ऊपर से इसको क्रॉस करते हुए थोड़ा सा नीचे निकाल दो इस लाइन के नीचे, ये बन गया 4. तो इसी तरह से बच्चों आपको ये पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है. आप इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे पेज नंबर 9. इसके बाद बच्चों हमने आपको यह है 5.
हमने आपको फाइव लिखना सिखाया था नोटबुक में, तो ये फाइव हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए देखो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, हम इनको काउंट करते हैं कितनी पिक्चर्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव। तो हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइव। देखो ये पैराशूट, इन्हें हम काउंट करते हैं कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये पैराशूट कितने हैं, फाइव। देखो ये ना, ये आइसक्रीम के साथ कौन है बच्चों, चींटियां, आंट्स। ये आंट जो है आइसक्रीम को लेकर जा रही हैं, तो आइसक्रीम के साथ ये आंट कितनी है, तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो आंट भी कितनी है, फाइव। तो ये है फाइव। तो इस तरह से हमें फाइव लिखना है, बहुत आसान है फाइव लिखना। देखो किस तरह से लिखेंगे, हमने नोटबुक में सिखाया था आपको, फिर से देख लीजिए यहाँ पर। देखो ये डॉट डॉट बना हुआ है, तो हमें डॉट के ऊपर ही पेंसिल से लिखना है। देखिए पहले ये लाइन है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ से छोटी सी लाइन नीचे करनी है, अब उल्टा सी बनाएंगे। देखो सीधा सी ऐसे बनता है, हमें इसको क्या करना है, ऐसे उल्टा बनाना है, यानी ऐसे घुमाकर यहाँ पर सी बना दो। तो ये क्या बन गया, फाइव। फिर से देखिए स्ट्रेट लाइन करेंगे हम ऐसे छोटी सी, अब यहाँ से नीचे करना है, अब उल्टा सी बना देंगे हम ऐसे घुमा के, उल्टा सी बन गया। ये क्या बन गया, फाइव। फिर से देखिए पहले स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से नीचे करेंगे छोटी सी, अब सी बनाएंगे उल्टा ऐसे घुमाकर, उल्टा सी बना दिया हमने। तो ये क्या बन गया, फाइव। देखिए फिर से स्ट्रेट लाइन छोटी सी, अब यहाँ से नीचे करेंगे हम, अब उल्टा सी बना देंगे हम। देखो घुमाकर ये उल्टा सी बना दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया फाइव। फिर से देखो स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे स्ट्रेट लाइन, अब उल्टा सी घुमाकर ऐसे बना दो, ये बन गया फाइव। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये पेज पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक कंप्लीट करना है। आप ये कंप्लीट कर लेंगे के पेज नंबर 11। इसी तरह से बच्चों हमने आपको ये कौन सा नंबर है, सिक्स, सिक्स नंबर हमने आपको लिखना सिखाया था, बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं, देखो पहले हम क्या बनाएंगे, सी। देखो यहाँ पे हमने ऐसे सी बनाया, अब इसको ऊपर करके ऐसे गोल कर दिया, तो क्या बन गया, सिक्स। तो यही हमें यहाँ पर बनाना है। तो पहले देखिए काउंट करते हैं, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट कितना है, ये कौन सा नंबर है बच्चों, सिक्स। देखो ये डक्स हैं, इनको हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो डक्स कितनी हैं, सिक्स। अब ये क्या हैं, बैलून्स। अब हम इन्हें काउंट करते हैं कितने बैलून्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो बैलून्स कितने हैं, सिक्स बैलून्स। तो इस तरह से हम सिक्स लिखेंगे, ओके। और देखिए यहाँ पर भी पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे ये बैलून्स हैं, कितने बैलून्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये सिक्स लिखा हुआ है। अब देखो ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हम काउंट करते हैं, कितनी बर्ड्स हैं यहाँ पर,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितनी बर्ड्स हैं ये, सिक्स। देखो ये सिक्स लिखा हुआ है। इसी से नीचे देखो ये कौन बना हुआ है, डक्स। अब हम इन्हें काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये कितनी डक्स हैं, सिक्स। तो ये सिक्स लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम सिक्स लिखेंगे। तो देखिए ये सिक्स हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे। पहले देखो ये डॉट डॉट बनी हुई है, तो इन्हीं के ऊपर हम पेंसिल से लिखेंगे। देखो यहाँ से लाइन किसी के ऊपर आप पेंसिल घुमाओ ऐसे ऊपर करके गोल, तो ये क्या बन गया, सिक्स। देखो ये हमने लाइन के ऊपर लाइन से घुमाया ऐसे किया और गोल, तो ये क्या बन गया, सिक्स। देखो जैसे हम सी बनाते हैं ना, पहले देखो ऐसे करके हमने क्या बनाया, ये देखो सी की तरह दिख रहा है, अब इसी को हमने इसको गोल कर दिया, तो ये बन गया सिक्स। ऐसे किया गोल, सिक्स बन गया। ये डॉट है, घुमाया ऊपर करके ऐसे, तो ये है सिक्स। देखो सी बनाओ ऐसे करके, हमने सी बनाया, अब इसको ऊपर करके गोल कर देंगे, तो क्या बन गया, सिक्स। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आपको ये पूरा सिक्स लिखना है। तो आज आप पेज नंबर के फोर, ये है पेज नंबर नाइन एंड पेज नंबर इलेवन एंड पेज नंबर थर्टीन, यहाँ तक आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने क्या प्रैक्टिस की बच्चों, नंबर्स की, फोर फाइव एंड सिक्स नंबर्स की। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।